रही, लेकिन मैडम आप हो कौन? मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन हुआ क्या है? तुम चलो, मैं सब बताती हूँ। गेट खोलो। मुझे उससे शादी नहीं करनी, तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? देखो, तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, गेट खोलो। तुम मेरी कोई भलाई नहीं चाहते, तुम बस ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत गलत कर रही हो। गेट खोलो ना, तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज आप गेट मत खोलना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सुनो, अगर तुम चाहती हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फटाफट इसे गाड़ी से नीचे उतरो और मेरे पास लेकर आओ। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। कोशिश नहीं, पूरी पक्की बात होनी चाहिए। कैसे भी करके इसको शादी के लिए मनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरी कंपनी का मालिक बनाया है, समझी? जल्दी लेकर आओ उसको मेरे पास। आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर गेट खोलो। नहीं, मत खोलना। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, और ये मेरी शादी उससे इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वो गरीब है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। प्लीज गेट मत खोलना। 50,000 दूंगी, अभी गेट खोलो। 1,00,000, 1,00,000 दूंगी। सागर, तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी। तो डॉक्टर साहब सोच कह रहे हैं, कीजिए ना। कर तो मैं दूंगा, लेकिन आप पैसे तो जमा करवा दो। कितने पैसे? 2,00,000 रुपए। 2,00,000? डॉक्टर साहब इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैंने लोन के लिए भी अप्लाई किया था पर रिजेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप किसी भी तरह उसका ऑपरेशन कर दीजिए। देखो, सर्विस तो मैं तुम्हें फ्री दे सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल्स के बिल तो तुम्हें भरने पड़ेंगे। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। देखो, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे गेट खोलना होगा। नहीं, गेट मत खोलो, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी शादी इन्होंने इससे करवा दी तो। प्लीज। हाँ तो एक काम करो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम मुझे दे दो। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये पैसे चाहिए और मुझे गेट खोलना ही पड़ेगा। क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते? अगर कोई तुम्हें उससे अलग करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? प्लीज, जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। इस लड़के के साथ खुश रह सकती हो, सारी लाइफ बिता सकती हो इस लड़के के साथ, उस रिच लड़के को छोड़ के? हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए मैं किसी को भी छोड़ सकती हूँ, खुद को भी। मेरे लिए ना प्यार मैटर करता है, पैसा नहीं। सही कहा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। स्वरा आ गई तुम? पता है मैं बहुत घबरा गया था यार। घबराने वाली क्या बात है, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, हम जल्दी शादी कर लेंगे। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ जिसने हमारी हेल्प की है। चल। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूंगा, पर आप मेरी बीवी को बचा लेंगे डॉक्टर साहब, प्लीज मुझसे कुछ मत होने देना। डॉक्टर साहब आप किसी चीज़ की फिक्र मत कीजिए, बस आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। इनसे मिलो, ये है दीपांशु,
मेरे बॉयफ्रेंड। हेलो हेलो। अच्छा हम चलते हैं, और मुझे अपना एड्रेस तो दे दो, हम जब भी शादी करेंगे तुम्हें जरूर बुलाएंगे। मैं द्वारका सेक्टर 10 में रहता हूँ, हरिजन बस्ती में 402। ठीक है, और थैंक यू सो मच, हमारी शादी सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। ठीक है हम चलते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके साथ हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, और जो पैसे हम अपनी शादी में यूज करने वाले थे वो हम आपको भेज रहे हैं ताकि आप अपनी वाइफ का ऑपरेशन करा सको। आपने हम प्यार करने वालों को मिलाया है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आप लोगों को अलग ना होने दें। इस बैग में पैसे हैं और शायद वो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के इलाज के लिए था।